हेलो ट्रैवलर्स, मैं हूं देव और मैं आज आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो एक तरफ सतपुड़ा के घने जंगल और एक तरफ नौरादेही अभयारण्य और बीच में मां नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। आज मैं आपको 10 हिडन प्लेसेस इन नरसिंहपुर के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फोर्ट ऑफ चौड़ागढ़, जो कि चौगान के किले के नाम से भी फेमस है। इसकी दूरी नरसिंहपुर से 46 किलोमीटर है। यह गाडरबारा तहसील के अंतर्गत आता है। यह सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में स्थित है। चौगान का किला जाने के लिए आपको कुछ किलोमीटर के लिए पैदल भी चलना पड़ता है, जो कि पहाड़ के ऊपर इस किले के होने के कारण आपको नीचे गाड़ी खड़ी कर ऊपर पहाड़ तक जाना पड़ता है। ये आपके लिए एक एडवेंचरस ट्रिप हो सकती है, तो यहाँ जाना जरूर। मिनी धुआंधार, जो कि गढ़रबारा के पास स्थित ककरिया घाट पर स्थित है। यहाँ भी धुआंधार जैसे पानी धुएं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको मिनी धुआंधार कहते हैं। इसकी नरसिंहपुर से दूरी 42 किलोमीटर है। आप कभी उस साइड जाएं तो इस मिनी धुआंधार को देखना ना भूलें। पिथौरा फोर्ट्स, जो कि नरसिंहपुर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले की खास बात यह है कि इसकी इमारत आज भी अच्छी है और इसको रिकंस्ट्रक्शन भी कराया गया है। यह किला समनापुर के बहुत ही पास में है, तो अगर आप उस साइड कभी जाएं तो इस किले को विजिट करना ना भूलें। बिल्दा वाटरफॉल, जो कि नरसिंहपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बरसाती वाटरफॉल है, तो जब पानी गिरेगा तभी यह वाटरफॉल चालू होगा, नहीं तो यह बंद हो जाएगा। तो जब भी आप जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। केरपानी पुल क्रॉस करने के बाद आपको यह गूगल मैप की मदद से आसानी से ही मिल जाएगा। रानगिर, जो कि नरसिंहपुर से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सागर जिले के अंतर्गत आता है। रानगिर में देवी जी हैं, जो कि अपने रूप बदलने के कारण जानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। यहाँ नौरादेही के जंगल होने के कारण आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। यहाँ एक छोटा सा स्टेप डैम है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, पहाड़, जंगल, नदी, सब कुछ। अगर आप यहाँ जाएं तो अच्छे से एंजॉय करें। टोनघाट, जो कि नरसिंहपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेर नदी पर स्थित यह वाटरफॉल बरहटा के पास में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों द्वारा अज्ञात वनवास के टाइम वो इसी जगह पर आकर रुके थे। यह भी नरसिंहपुर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आदिगांव फोर्ट, जो कि नरसिंहपुर और सिवनी के बीच में स्थित है। यह नरसिंहपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह NH 44 से लगा हुआ है। यह किला मराठाओं द्वारा बनाया गया था। इस पर हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। मृगन्नाथ की गुफाएं, जो कि पीपर पानी पान के पास में स्थित हैं। इस गुफा के पास एक मृगन्नाथ जी का मंदिर है। कहा जाता है उस पहाड़ी की ऊंचाई करीब 400 फीट है और इस गुफा के अंदर एक कुंड है जिसके पानी में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। पातालकोट, जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी दूरी नरसिंहपुर से 103 किलोमीटर की है। यहां आप सतपुड़ा के घने जंगल के बीच में जमीन के काफ़ी नीचे तक जाने के लिए बेबस हो जाएंगे, इसलिए इसको नाम पातालकोट पड़ा है, जो कि तामिया में स्थित है। यहाँ से आपको जंगल का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। हाथी नाला वाटरफॉल, जो
जो अभी नरसिंहपुर में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। यह नरसिंहपुर से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बरसाती नाला है, इसलिए यह सिर्फ बरसात में ही चालू होता है। अगर आप कभी यहाँ जाना चाहते हैं तो पानी देखकर ज़रूर जाएं, नहीं तो आपका जाना एक प्रकार से ख़राब भी हो सकता है। उसे मिस ना करें।